सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, योर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अभी 2 महीना, नेक्स्ट 2 महीना मतलब जून जुलाई तक आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल ओपन नहीं होगा, ये कन्फर्मली बोला जा रहा है। मई में तो आपका ओपन नहीं होगा, जो सिचुएशन है आपका पूरा एंड तक मई का, अभी ये जो सेकेंड वेव है अभी चलेगा। बोला गया है कि अभी 14 से 15 दिन मिनिमम चलेगा जो सेकेंड वेव है इंडिया में, पर मई के बाद और कितना दिन क्लोज रह सकते हैं उसके ऊपर ही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को डेफिनेटली देखना, एक लाइक करना एंड शेयर करना सभी ग्रुप्स पे, सभी फ्रेंड जोन में, ताकि और भी ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें, क्योंकि आज का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है, ये अपडेट आया है कहाँ पे, द इंडियन एक्सप्रेस पे, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे ये अपडेट आया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एम एट रीओपनिंग स्कूल्स बाय जुलाई। जुलाई तक स्कूल्स ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर स्कूल ओपन हुआ तो 1 महीने के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ओपन होगा। तो टोटल अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा अपडेट भी है। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनिए एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेटेस्ट एडुकेशन अपडेट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द लैंसेट कोविड कमीशन इंडिया टास्क फोर्स इन रिपोर्ट टाइटल्ड मैनेजिंग इंडिया सेकेंड वेव कोविड 19 वेव अर्जेंट स्टेप्स हैज नॉट रिकमेंडेड अ ब्लैंकेट नेशनल और स्टेट लॉकडाउन। इट हैज इंस्टेड सजेस्टेड लोकलाइज्ड फेज्ड रिस्ट्रिक्शंस और क्लोजर्स। It has recommended that the next 2 months can be used to prepare education sector for a safe opening of school colleges in July 2021 for the next academic year. तो next academic year के लिए जुलाई तक तो आपका ओपन नहीं होगा, next 2 month जो है जून एंड जुलाई तक आपका लिया जा रहा है सेव करने के लिए एडुकेशन सेक्टर को, उसके बाद ही आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन होगा। तो जुलाई तक आपका डेफिनेटली ओपन नहीं होगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि रिकमेंड किया गया है ये टास्क फोर्स के तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को कि नेक्स्ट 2 मंथ्स उनको टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए कि एडुकेशन सेक्टर एकदम सेफ है ओपन करने के लिए, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सब कुछ जुलाई के अंदर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इट सजेस्टेड अ टेम्पररी बैन और गैदरिंग ऑफ ग्रुप्स लार्जर देन 10 फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। 10 से ज़्यादा लोग गैदर ना करें, यह भी रिक्वेस्ट किया गया है, जो डेफिनेटली सबको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहे, अभी भी फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से भी, अभी कुछ महीने के लिए ये सब बंद रखिए, घर पे रहिए, आइसोलेट रहिए। इससे आपका भी अच्छा है, आपका फैमिली का भी अच्छा है, एंड जिन फ्रेंड से आप घूम रहे हैं, फ्रेंड के साथ आप घूम रहे हैं, उनके एंड उनके फैमिली के लिए भी वो अच्छा है एंड सभी के लिए अच्छा है। तो डेफिनेटली अगर आप जा भी रहे हैं बाहर कोई अर्जेंट काम से अगर नहीं जा रहे, तो डेफिनेटली घर पे रहने के लिए ट्राई कीजिए एंड बाहर जाने के लिए डेफिनेटली मास्क ये सब यूज करना। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे देखिए बोला गया है द सेकेंड वेव इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 2-3 मंथ्स। मतलब कब से चालू है सेकेंड वेव, अप्रैल से ही हम लोग पकड़ सकते हैं, तो अप्रैल में जून, तो ये अप्रैल में जून तक तो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि सेकेंड वेव चलेगा। स्कूल एंड कॉलेजेस कैन बी रीओपन वंस टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इज बिलो 2-5%। इंडिया में अभी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये रेट जो है कोविड पॉजिटिविटी रेट, ये अगर 2-5% के अंदर आ गया तो डेफिनेटली आपका स्कूल कॉलेज या फिर से ये लॉकडाउन हटाना पॉसिबल होगा। तो 2-5% डेफिनेटली अभी इंडिया में नहीं है, 10 से ऊपर है, तो वो डेफिनेटली अभी घटना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोगों का स्कूल कॉलेज रीओपन होना पॉसिबल होगा। तो अभी जो सिचुएशन आपको पता है, जितना हो सके आप लोग हेल्प कीजिए एक दूसरे का एंड घर पे रहिए, अपने जो फेवरेट लोग हैं फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ रहिए एंड डेफिनेटली सेफ रहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मुझे लगा डेफिनेटली देना चाहिए। ये एक्चुअली कर्नाटका में ये डिसीजन लिया जा रहा है और ऑल ओवर द इंडिया मुझे भी पर्सनली लगता है कि इतना टाइम तो डेफिनेटली लगेगा आपका जुलाई तक, उसके बाद ही ओपन हो पाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा, जुलाई तक तो अभी क्लोज रहेगा, उसके बाद आपका अगस्त में ओपन हो रहा है नहीं वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।